फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच अपना इतना सारा सपोर्ट और प्यार देने के लिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेकफास्ट की एक न्यू रेसिपी और बेहद टेस्टी और हेल्दी है। इसे मैं पालक से बनाने जा रही हूँ और हम सब जानते हैं कि पालक आयरन से भरपूर होता है, तो ये बच्चों की हेल्थ के लिए, बड़ों की हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो और मेरा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस अच्छी लगे तो इन्हें लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर के आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ आज की नई रेसिपी ब्रेकफास्ट की। रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पालक लिया है और इसे 2 से 3 बार पानी से धो लिया है। हरा धनिया लिया है, इसको भी मैंने 2 से 3 बार पानी से धोया है। हरी पत्तेदार सब्जियों को हमें 2 से 3 बार पानी से धो लेना चाहिए, जब तक कि इसका पानी जो है वो बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। इस तरीके का सब्जियों में मैंने लिए हैं 2 टुकड़े फूल गोभी के, 2 हरी मिर्चें, शिमला मिर्च का 1 छोटा टुकड़ा, हरे प्याज का 1 स्टेम, गाजर का 1 छोटा टुकड़ा और साथ में ये लिए हैं हरे मटर। तो मटर जो है वो जब छीलते हैं तो उसमें से आज जो सॉफ्ट वाले मटर हैं उनको मैंने निकाल के अलग किया है, तो इन्हीं मटर को मैं इस रेसिपी में यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं ये सारी सब्जियों को बिल्कुल बारीक बारीक से चॉप करना है, तो चॉप कर लेती हूँ। तो सब्जियां जो हैं वो बारीक से चॉप हो गई हैं, मटर भी इसमें मिक्स कर दिए हैं और साथ में यहाँ पर पनीर के छोटे छोटे टुकड़े काट करके पनीर को भी साथ में ऐड कर रही हूँ। तो इस तरीके से सब्जियां तैयार हो चुकी हैं। अब ये पालक है, इसको ग्राइंड करना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ग्राइंडेड जार लिया है। अब इसे ग्राइंड करके इस तरीके की एक स्मूथ प्यूरी बन गई है, पालक प्यूरी। अब यहाँ पर मैंने एक ले लिया है, बाउल लिया है और इसमें जो सेमोलिना सूजी है इसके 5 टेबलस्पून ऐड किए हैं। अब साथ में इसके ले लिया है वो पालक की प्यूरी जो तैयार की है, साथ ही मैं कटी हुई हरी सब्जियां, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक ले लिया है 1 टेबल स्पून और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स 1/2 टेस्पून लिए हैं। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अब इसे कवर करके मैं 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि जो सेमोलिना है, सूजी है, वो अच्छे से फूल जाए।
तो अब ये जो सेमोलिना है वो फूल चुकी है और इस तरीके से मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर जो सांचे हैं इसे बोलते हैं अपम पात्रा, तो इसके ऊपर मैं इस तरीके से हल्का सा ऑयल लगा करके सारे सांचों को ऑयलिंग कर लूंगी। ऑयलिंग करने के बाद अब यहाँ पर मैंने ले लिया है इनो, तो मैं इनो पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आप इनो पाउडर पसंद नहीं करते हैं तो इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर ये मिला करके कर सकते हैं। अगर वो भी मिलाना नहीं चाहते हैं तो आप इसमें दही के 3 से 4 चम्मच मिला करके इसे आप 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। तो यहाँ पर ये अपम पात्रा के जो है इसे मैंने फ्लेम पर रख दिया है और अब इसके ऊपर मैं इस तरीके से इस सांचों को भर रही हूँ। तो इनमें बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरना है, तो इस तरीके से आधे में ही भरना है ताकि जब ये फूलेगा तो ऊपर तक आ जाएगा, तो इसलिए आधे में ही भरें। जब ये सारा भर जाए तो उसके बाद इसे मैं कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दूंगी। तो 2 से 3 मिनट के बाद इस तरीके से इस पर हल्की हल्की बूंदे ऑयल की लगानी है। ऑयल की बूंदे लगाने से इसमें हल्का सा क्रिस्पन आ जाएगा, ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है लेकिन हल्की हल्की बूंदे लगाने से क्रिस्पन आ जाता है। और इसका कच्चापन हटाने के लिए इसमें हल्के से होल कर रही हूँ और ताकि इसमें एयर पास हो सके और एयर पास होने की वजह से जो अंदर का कच्चापन है वो भी खत्म हो जाए। अब इसे कवर करके मैं 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर फिर से कुक होने दूंगी। तो 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और अब ये एक तरफ से अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब इन्हें मैं पलट लेती हूँ। ये सारे पलट चुके हैं। अब इसे मैं कवर करके फिर से 1 से 2 मिनट के लिए कुक होने दूंगी और 1 से 2 मिनट के बाद अगर कहीं से कोई कच्चा लगता है तो उसे पलट के बीच में से फिर से पका सकते हैं। तो इस तरीके से मेरी ये डिलीशियस टेस्टी हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से मैं बाकी के जो बचा हुआ मिक्सचर है उसको भी ऐसे ही तैयार कर लूंगी, बना लूंगी। तो उसे फिर से मैं फिल कर लेती हूँ जो बचा हुआ मिक्सचर रह गया है। इसी तरीके से मैं सेम वैसे ही पका करके पलट के फिर बना लूंगी और ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी को मैंने खाया है तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस रेसिपी की जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है, क्योंकि ये एक तो हेल्दी इतनी है और हेल्दी मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वही आपको बता रहे हैं कि ये रेसिपी कितनी हेल्दी है और कितनी टेस्टी है। तो वो मैं आप इसे बना करके देखिएगा, आपको भी आई एम श्योर कि बहुत बेहद टेस्टी लगेगी क्योंकि ये हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी बेहद है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और इस रेसिपी को आप
सॉस के साथ खा सकते हैं। हरे धनिए की और पुदीने की चटनी के साथ आप खाएं, इतनी टेस्टी लगेगी कि अगर आप एक बार खाएंगे तो आपको रोज बनाने का मन होगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरा चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।